फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दोस्त हुआ न्यू, वेलकम टू माय चैनल फूड इज गुड विद सेबा। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए मटन मंडी की रेसिपी, जो है अरेबियन कुजीन, बट मैं बनाऊंगी बिल्कुल ही सिंपल वे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, चैनल को इतना सपोर्ट जो कर रहे हैं, थैंक यू, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल बनाने वाली हूँ मटन मंडी की रेसिपी। चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ये लेग पीस वाला जो पार्ट था, जिसको हम रान कहते हैं, वो वाला पार्ट मंडी बनाने में यूज होगा। यही जो होती है मंडी की स्पेशलिटी होती है कि इसमें जो मटन की रान होती है वो जाती है। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में रान को रख दिया है। मैंने दो रान ली थी और मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ के जी के तकरीबन मटन के पीसेस, जो हम नॉर्मली जब भी बिरयानी बनाते हैं तो ऐड करते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था प्याज एक बड़े साइज़ की 1 टीस्पून, सौंफ ऐड करी है 1 टीस्पून, धनिया ऐड किया है, गोल काली मिर्च 10 से 12 ऐड कर रही हूँ, 4 से 5 लौंग ऐड कर दी, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची है, जायफल को घिस कर ऐड कर चुकी हूँ, 2 तेज़पत्ते हैं, 3 हरी मिर्ची को बीच से स्लिट करके ऐड करा है, 13-14 लहसुन की कलियां हैं छिलकों समेत, और 1 टीस्पून के तकरीबन मैंने नमक ऐड कर दिया है और 1 लीटर इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो अब हमें करना क्या है, कुकर की लिड लगानी है। पहले अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए और कुकर की लिड लगाइए और 3 विसल मैं हाई पर दूंगी और उसके बाद लो फ्लेम के लिए 6 से 7 मिनट के लिए रहने दूंगी, जिससे कि जो हमने मटन की रान रखी है वो बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, कुक हो जाए। तो इधर ये मंडी का मसाला है, जिसमें एक चीज़ नहीं है जो बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स होता है मंडी का, ड्राइड लेमन। मैंने सारे खड़े गरम मसाले ले लिए हैं 1/2 टीस्पून के तकरीबन, बट ड्राई लेमन था नहीं। बट आप लोग जब भी बनाएं मटन मंडी तो ड्राइड लेमन का ज़रूर यूज़ करें, वो किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। तो देखिए मटन कितने अच्छे से टेंडर हो गया। अब हमें क्या करना है, स्टॉक को अलग छान लेना है। कुछ खड़े गरम मसाले मैं इसी में से यूज़ करूँगी बिरयानी बनाते वक्त। और इधर मैंने ये मटन की जो रान थी वो निकाल लिया है, क्योंकि हमें इसको करना है मैरिनेट। तो मटन मंडी का मसाला जो था वो मैंने ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको एक बाउल में निकालते हैं और इसमें ऐड करते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, और मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून के तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट, और अच्छे से मटन की रान को मसाले के साथ अच्छे से कोट कर दूँगी। सो गाइस, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है ड्राइड लेमन, जो कि नहीं था। तो आप चाहें तो इस मैरिनेशन में लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं स्क्वीज़ करके, बट ड्राइड लेमन जो होता है, सूखा हुआ जो लेमन होता है, उसका जो टेस्ट होता है मंडी में वो अलग ही होता है, बहुत ही स्मोकी फ्लेवर होता है। तो इस तरह से अच्छे से आप सारे मसाले को कोट करिए कि मसाले सारे अंदर तक जाएँ। तो देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। और जो बाकी मटन के पीसेस थे वो मैं मंडी बनाने के वक्त बताऊंगी उसको किस तरह से हमें शामिल करना है, बट मेन जो मटन मंडी बनता है वो मटन के लेग से ही बनता है, इस वाले पार्ट से। तो इसलिए इसको मैंने मैरिनेशन के लिए मंडी का मसाला यूज़ करा। तो 1/2 आवर के लिए इसको मैंने रहने दिया था, जिससे कि अच्छे से ये टेंडर। तो अब हमें इसे करना है फ्राई। तो पैन में मैंने ऑयल रख दिया था, रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इसको घी या बटर में भी फ्राई कर सकते हैं, जिससे मटन मंडी और भी टेस्टी और लाजवाब बने। तो अच्छे से चारों तरफ से इसको फ्राई करेंगे, जब एक साइड हो जाएगी तो हम दूसरी साइड फ्लिप कर देंगे, जिससे कि अच्छे से चारों तरफ से मसाले के साथ ये फ्राई हो जाए। ये इतना लाजवाब बनकर तैयार हुआ था कि दिल कर रहा था इसको ऐसे ही हम खा जाएं, चावलों के साथ इसको ऐड ना करें। तो फ्रेंड्स, मैंने चावल 1 kg के तकरीबन ऑलरेडी 1 आवर के लिए सोक कर दिया है। इधर ये सब फ्राई हो रहा था जब तक मैंने एक बड़े बर्तन में ओनियन को फ्राई करके निकाल लिया था, एक बड़े साइज़ की ओनियन को। और जो देखिए बाकी जो पीसेस थे मटन के, मैंने उसको ऑयल में ऐड कर दिया है और 5 से 6 हरी मिर्चों को डाल दिया है। तो आप चाहें तो अगर आपके पास मार्केट से अगर आपको रान अवेलेबल नहीं होती हो और आपको मटन मंडी का खाने का मन है, तो आप इस साइज़ के पीसेस जो हम बिरयानी में बनाते हैं उसको भी मैरिनेट करके, जो प्रोसेस मैंने रान के साथ किया है वो प्रोसेस आप इस पीसेस के साथ करके भी मटन मंडी बना सकते हैं। तो ये स्टॉक था और ये इधर जो लेग थी वो बहुत अच्छे से चारों तरफ से हमने फ्राई कर ली है, और इधर गोश्त जो था वो भी फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ
चावल। मैं नॉर्मल चावल का मटन मंडी बना रही हूँ, आप चाहें तो बासमती राइस या बिरयानी का जो राइस होता है प्रॉपर उसका भी बना सकते हैं। बट ये इतना डिलीशियस बनकर तैयार हुआ था, जब मैंने सिंपल तरीके से बनाया था तो इतना डिलीशियस बनकर तैयार हुआ था। अगर हम प्रॉपर वे में इसको बनाते, जैसे कि ड्राइड लेमन यूज़ करते और भी जो चीज़ें थी वो मैं यूज़ करती, तो और भी बेहतरीन लाजवाब बनकर तैयार होता। तो आप चाहें तो इस पर ऊपर जब ये लास्ट तैयार हो जाए गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं घी में फ्राई करके। तो इधर जैसे ही चावल का पानी ड्राई होने लगा था, मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया मटन के रान जो ऑलरेडी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। और ये जो ऑयल था जिसमें मैंने रान को फ्राई कर दिया था वो ऐड कर दिया इसके ऊपर। तो देखिए कितना लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी और यमी सा भी दिख रहा है। इसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून घी के ऐड करे थे, और ये ड्राइड पुदीना है वो मैं इस पर ऐड कर दूंगी। ओनियन इस पर मैंने ऐड कर दिया है, और अब मैं 1 टीस्पून के तकरीबन केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। और इसको फिर 5 से 6 मिनट के लिए मैंने दम पर रख दिया। और देखिए व्यूवर्स, ये तैयार है मटन मंडी। सो बिगनर्स और जो किचन क्वींस हैं उनको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने मटन मंडी की रेसिपी आपको दिखाई है, तो मस्ट ट्राई रेसिपी है। और इसको मैंने एक डिश में निकाल लिया है, तो देखिए कितनी लाजवाब और कितनी खूबसूरत। जब आपके घर पर मेहमान आए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बनाएं। तो जो मेरे नए व्यूअर्स हैं चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये मटन मंडी की रेसिपी कैसी लगी, कितनी सिंपल थी। तो लीजिए बनकर तैयार है मटन मंडी। तो ज़्यादा मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें कुछ नहीं ऐड किया क्योंकि मुझे इसको सिंपल ही रखना था। तो आप लोग भी इसे ट्राई करिएगा, इस रेसिपी को इसी तरह से बनाइएगा। कोई अरेबियन मसाले की ज़रूरत नहीं है इसमें, सारे इंडियन स्पाइसेस थे जो इजीली अवेलेबल होते हैं किसी भी मार्केट में। तो रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो बहुत जल्द मिलूंगी न्यू रेसिपी के साथ या न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फूड इज़ गुड विद ज़ेबा, एंड थैंक यू इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। एंड मस्ट ट्राई रेसिपी है, एंड फोटो को टैग करना ना भूलेगा इंस्टाग्राम पर। जब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।